जो मूड हो, मूड यानी मूर्ख, पाप रता विमूढ़ा, हमेशा पाप करने वाला हो, और मित्र द्रोही, जो मित्र से मित्र को धोखा देने वाला हो, और वेद वेदिका निंदकास्या, जो वेदों की निंदा करने वाला हो, और हिंसारता नास्तिक धर्म सकता, जो हमेशा हिंसा करता हो, दूसरों को क्या करता हो, हमेशा उनको पाप रत में लगाता हो, जो दूसरों का अनहित चाहे, और जो अपने धर्म से विमुख हो जाए। कौन कौन पवित्र होते हैं? जो ये सारे व्यक्ति हैं, वो सारे मां भगवती की कृपा से पवित्र होते हैं, मात्र मां भगवती की कथा को सुनने मात्र से। लेकिन हम क्या करते हैं, आजकल हमारे अंदर पाप भी है, दुराचार भी है, पाखंड भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, ममता भी है, ईर्ष्या भी है, सारे अवगुण हमारे अंदर क्या है, विराजमान है। देखो, ऐसे में हमें मां भगवती मिलने वाली नहीं है। इसलिए जब तक हम मां भगवती को प्रसन्न नहीं करेंगे, खुश नहीं करेंगे, तब तक वो मां भगवती हमारे अवगुणों को, हमारे दुर्गुणों को, हमारे व्यसनों को हमसे दूर करने वाली नहीं है। इसलिए हमें उनकी शरण में जाना होगा। देखो, अगर खुश करना है तो किसको करना है? हाँ जी, प्रभु को खुश कीजिए, मां की मां को प्रसन्न कीजिए। लेकिन आज का जो व्यक्ति है ना, वो क्या करता है, वो तो दुनियादारी को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। थोड़ा सा अगर झगड़ा हो जाए तो उसे क्या मनाने में लगा हुआ है। अरे, दुनिया आज तक किसी की नहीं हुई। अगर कोई साथ देने वाला है तो कौन है? वो प्रभु है। ये मेरी मां भवानी, मेरी मां जगदम्बा आपको हर क्षण हर पग पर आपका सहारा बनेगी।